सबसे खतरनाक ये ब्लैक आइज होती है, इस पे सबसे ज्यादा स्लिप करता है। ये आ चुके हैं हमारे नॉन वेज फ्राई मोमोज। यही लोकेशन है वो सारी, ये एक्चुअली पार्किंग है। उस टाइम ये मूवी के लिए खाली कराई गई थी जगह। गाइस मैं बलमोड पहुंच गया था, बट मेरे को इमरजेंसी वापस निकलना पड़ रहा है। सो हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। अभी हम जा रहे हैं रेलवे स्टेशन, मेरे को ट्रेन की बुकिंग करवानी है। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। तो हमारा जाना कंफर्म हो चुका है, 26 तारीख को मैं निकल रहा हूँ डलहौजी के लिए। बहुत ही जल्द अच्छे अच्छे व्लॉग आने वाले हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो फाइनली गाइस मुझे टिकट तो मिल चुकी है, पर वेटिंग में है, देखते हैं कि कंफर्मेशन होता है टिकट का नहीं होता है। तो गाइस आप देख सकते हो बारिश होने लगी। सो हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। अभी मैं निकल रहा हूँ लुधियाना के लिए, सीए खड़ी है लुधियाना वाली। तो फाइनली गाइस मैं बस से उतर चुका हूँ, अब सीधा चलते हैं स्टेशन की तरफ। सो गाइस अभी मैं लुधियाना स्टेशन पर पहुँच गया हूँ, यहाँ से 12:07 पर अपनी ट्रेन है। तो अभी चलते हैं अंदर और कुछ खाते हैं, भूख बहुत लग चुकी है। जी क्या खतरनाक साउंड था ट्रेन का। मैं फाइनली पठानकोट स्टेशन पहुंच चुका हूं, यहां से हम जा रहे हैं पठानकोट बस स्टैंड और बाहर से पकड़ते हैं ऑटो, फटाफट चलते हैं और आपको बस स्टैंड में दोबारा से ज्वाइन करते हैं। तो ये सामने खड़ी डलहौजी जाने वाली बस मुझे मिल चुके हैं। बहुत ही खतरनाक रास्ता चल रहा है इस टाइम, देखो तो ऐसा धक धक हो रहा है। ये देख सकते हो गाइस कितने खूबसूरत पहाड़ हैं। अभी विजिबिलिटी बहुत ज्यादा कम है बिकॉज ऑफ फॉग। अरे मुझे चक्कर आने लग गए अब। बस से उतर चुका हूँ, मैं हूँ अभी बनीखेत में डलहौजी में। बहुत ही ज्यादा स्नोफॉल होने के कारण बस आगे नहीं जा रही है, तो अभी मैं बनीखेत में ही स्टे करूंगा। बहुत ठंडा गाइस, बहुत ठंडा गाइस। गाड़ियों पे बर्फ जमी हुई है, अभी तो ये बनीखेत है। डलहौजी में बहुत ही ज्यादा बर्फबारी हुई है, यहाँ पे अभी थोड़ी कम है, अब पढ़नी स्टार्ट होगी। आज का भी स्नोफॉल दिया हुआ है, ये देखो ये बनीखेत है, इससे ऊपर है डलहौजी, फिर है दैनकुंड, उसके बाद है खजियार। सो गाइस मैं बनीखेत में पहुंच गया था और मैंने होटल रूम ले लिया है, अब मैं आपको करवाऊंगा रूम टूर एंट्रेंस। ये मिरर आ गया, इसमें हम देख के व्लॉगिंग कर सकते हैं। और ये टेबल आ गया, अगर आपका कोई गेस्ट आ रहा है तो आप उसको यहाँ बिठाएंगे। अच्छा, और ये एक किंग साइज बेड आ गया, और ये अलमीरा दी हुई है। ठीक है, समझ गया। लॉक्स वगैरह रखने के लिए यहाँ पे मैंने अपना बैग रख दिया, समझ गया। एलईडी मिल जाती है आपको मूवीज वॉच करने के लिए, ठीक है। और आपको वाईफाई की अवेलेबिलिटी भी मिलती है यहाँ पे, इनका होटल वालों का वाईफाई है। और इनकी जो किचन की टाइमिंग्स हैं मॉर्निंग, ये सब मतलब होटल में से ही प्रोवाइड करवाते हैं। और यहाँ पे आ जाता है हमारा बाथरूम, यहाँ पर आप अपने चेहरे को अच्छे से साफ सुथरा निखार सकते हो बिल्कुल। ये रहा टॉयलेट, ये शॉवर मिल जाता है नहाने के लिए। और वहाँ पे मेन चीज ये है गाइस, इतनी ठंड है ना यहाँ पे, तो इसके बिना तो कोई गुजारा नहीं है। अगर आपको नहाना तो आपके लिए गीजर मिल जाएगा, गर्म पानी से नहाओ, चिल करो।
अगर आप भी गाइस कभी डलहौजी की तरफ आ रहे हो घूमने के लिए तो आप यहाँ पर रुक सकते हैं। ये होटल है बनी खेत में, होटल का नाम है क्राउन रॉयल, बहुत ही अच्छा होटल है और बहुत ही रिजनेबल प्राइस पे मिला है मुझे। रूम को कर दिया है लॉक, अब चलते हैं थोड़ा मार्केट कुछ खाने के लिए ले जाते हैं। चलो शुक्र था धूप तो बढ़िया निकल आई, नहीं तो बारिश मंद होने का नाम ही नहीं लेती। जितनी भी स्नो पड़ी हुई थी ना गाइस सारी गायब कर दी बारिश ने, लगातार बारिश पड़ रही लगातार रात।